ओके तो भाई रोमन रेंज को रसलमेनिया 40 के अंदर ब्लडलाइन के कौन से मेंबर धोखा देने वाले इसके बारे में रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ भाई पॉल मन अपने फ्यूचर प्लान को लेकर अपडेट दे दिए कि क्या करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ्यूचर के अंदर। तो भाई बहुत सारे पेटी भर के अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर, आई एम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भाई रॉक कितने बड़े हरामी आप लोग इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हो। लिटरली उन्होंने भाई रेफरी को पेल दिया मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद। रेफरी भाई जो भागा है जंप करके, मतलब आप लोग देख सकते हो भाई, मतलब वो नाच गया लिटरली। वैसे ये वीडियो मेरे पास कल ही आ गया था पर मुझे लगा मुझे आपको दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं इस वीक के मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई हाँ व्यूअरशिप निकल कर सामने आ चुका है जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है। लिटरली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इतना गंदा हालत है मंडे नाइट रॉ का। सिर्फ 1.784 मिलियन व्यूअरशिप निकल कर सामने आया है। मैं भाई सोच रहा था यार इतना कमाल का मंडे नाइट रॉ का शो है भाई, मतलब अप्रोच 2 मिलियन तो भाई आना चाहिए था। भाई रियलिटी की भाई 1.8 मिलियन भी व्यूअरशिप नहीं निकल कर सामने आया। और भाई अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यू वाले ने भाई नेटफ्लिक्स के साथ डील को साइन कर लिया, तो मतलब अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर चला जाएगा अक्टूबर नवंबर मंथ के अंदर। तो मुझे नहीं पता भाई जब नेटफ्लिक्स के ऊपर चला जाएगा तब इसका क्या हाल होने वाला है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं भाई, लिटरली अब मुझे नहीं लगता कि भाई आपको 2 मिलियन व्यूअरशिप आपको देखने को मिलेगा कभी मंडे नाइट रॉ। भाई इस रॉ से बेटर रॉ हमें पूरे साल के अंदर कभी देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो भाई पॉल हेमन रिसेंट टाइम एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियल बयान दे दिया, आप लोग सुनो इसको। पॉल हेमन ने इस बात को बोला कि मेरे टॉप 3 क्लाइंट में सबसे नंबर 1 पर रोमन रेंज है, मतलब जिनका बॉडी वर्क बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उन्होंने सेकंड पर ब्रॉक लेसनर का नाम लिया जिनको उन्होंने अंडर रेटेड और अंडर अप्रिसिएटेड बोला। लिटरली भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई वो ब्रॉक लेसनर को अंडर रेटेड कैसे बोल सकते हैं। ब्रॉक लेसनर वो रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमेशा हाईएस्ट पेड रेसलर बनकर रहा, हमेशा मेन इवेंट किया रेसलमेनिया का, वो हमेशा टॉप स्टोरी लाइन के अंदर रहा, वो हमेशा पॉल हेमन के साथ एलाइन रहा। इनके लिए भाई ये बर्ड बोलना कि अंडर अप्रिसिएटेड या फिर अंडर रेटेड भाई मेरे ख्याल से कुछ गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में मेरे ख्याल से भाई कोई भी नहीं बोले कि ब्रॉक लेसनर मतलब भाई एक अंडर रेटेड रेसलर। ब्रॉक लेसनर को आप लोग ओवर रेटेड एक टाइम पर बोल सकते हो पर भाई अंडर रेटेड कभी भी नहीं बोल सकते। ब्रॉक लेसनर के पास तो भाई इतना ऑथोरिटी पावर था कि भाई बहुत सारे रेसलर के साथ वो मैच रेसल करने के लिए मना कर देते थे। जैसे अगर आपको याद होगा तो डीन एम्ब्रोज हो गए, ब्रे वाइट हो गए, रॉक के साथ भाई वो मैच हारने के लिए मतलब वो मना कर देते थे फिल्म के अंदर। तो मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर एक अंडर रेटेड रेसलर तो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। भाई साथ ही साथ भाई पॉल हेमन ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि भाई अभी भी उनका रोमन रेंज लास्ट क्लाइंट नहीं है। पॉल हेमन से भाई टॉप 3 का नाम पूछा गया था तो फर्स्ट के अंदर उन्होंने रोमन रेंज का नाम लिया, सेकंड पर ब्रॉक लेसनर का नाम लिया और थर्ड पर भाई उन्होंने कहा यह स्थान अभी भी खाली है। मतलब भाई पॉल हेमन का भी एक और क्लाइंट आपको कंपनी के अंदर भाई आपको दिखना बाकी है जो कि सच में बहुत बड़ा एक रेसलर बनेगा। भाई मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात को है कि भाई एटलीस्ट पॉल हेमन भाई रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई पॉल हेमन चले जाएंगे तो भाई मतलब दिल सा नहीं लगेगा, तो मतलब खुशी का बात है यार। अब देखते हैं यार नया क्लाइंट सोलो सिकोवा होते हैं या फिर मतलब हमारे ब्रॉन ब्रेकर होते हैं, यही दोनों रेसलर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स भाई रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर गए थे जहां उन्होंने भाई बहुत सारे बातें को बताया। सबसे पहले भाई कोडी रोड्स ने इस बात को बताया कि उनको कभी भी मतलब प्लान नहीं था एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से वापस जाने का। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जब उनको हर चीज दे रही, सबसे टॉप का स्टार बना रहे, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फेस बना रहे, सबसे बड़ा रेसलर बना रही, तो है। मतलब भाई इस पॉइंट पर भाई कोई सेंस ही नहीं बनता कि ये किसी और कंपनी के अंदर मतलब जा सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट भाई कोडी रोड्स रॉक के बारे में बोलते कि रॉक एक बिलियनियर है, एक एक्टर, एक प्रो रेसलर, पर उन्होंने रॉक के बारे में इस बात को बोला कि मतलब रॉक एज ए इंसान मुझे मतलब भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। साथ ही साथ भाई उन्होंने अपने हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया कि रॉक ने मतलब मेरा पूरा जो बैक तोड़ा था, मतलब मैं करंट टाइम में इंजर्ड वगैरह कुछ भी नहीं, पर हां मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बैक के अंदर क्योंकि मुझे लेदर स्ट्रैप से मारा गया था, पूरा कट लग चुका है बैक के अंदर। कोडी रोड्स ने भाई अपने तरफ से इस बात को फाइनल कर दिया कि मतलब उनको कोई करंट टाइम इंजरी वगैरह कोई सीन नहीं, तो भाई ये आधा टाइम यही रोता है कि मतलब इसको इंजरी हो गया, इंजरी के बावजूद भी ये फाइट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो भाई इन्होंने एक्चुअली में मतलब इंजरी के साथ ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट किया था, सेथ रॉलेंस के साथ फाइट किया था। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो रेसलमेनिया के अंदर अकेले नहीं आने वाले, अपनी पत्नी के साथ आने वाले, अपनी मॉम के साथ आने वाले। तो समझ लो भाई डब्ल्यू वाले भाई पूरा प्रोग्राम को बैठा रहे कि जैसे कोडी रोड्स विन करेंगे वो जाकर अपनी मॉम को हग करेंगे, वाइफ को किस करेंगे। इस तरीके से भाई डब्ल्यू वाले पूरे रेसलमेनिया के अंदर भाई पूरे सेटअप को ऐसे बना रहे हैं। साथ ही साथ भाई कोडी रोड्स ने बहुत सारे रेसलर के बारे में बात किया, जैसे वो सीएम पंक के बारे में बात किए। सीएम पंक के बारे में इस बात को बोले कि सीएम पंक एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रेसलर है। आपको सीएम पंक और कोडी रोड्स का भाई आपको रिवलरी भी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने गुंथर के बारे में बात की कि मतलब इस तरीके का रेसलर मतलब मुझे एक्चुअली चाहिए मैच के अंदर रेसल करने के लिए। गुंथर भाई ऐसे भी भाई बहुत ही ज्यादा हैवी वेट चैंपियंस बेल्ट के पीछे ही जाने वाले, मतलब मेन टाइटल के पीछे ही हो जाने वाले। आपको गुंथर और कोडी रोड्स का फिर से रिवलरी देखने को मिल सकता है। हां अगर हम लोग लास्ट में रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई कोडी रोड्स ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रोमन रेंज से मतलब वो हार नहीं सकते हैं इस बार। मतलब ये कोडी रोड्स का भाई लास्ट टाइम है। कोडी रोड्स ने इस बात को बताया कि उनका लास्ट टाइम है रोमन रेंज से विन करने का। अगर ये नहीं विन कर पाते हैं तो शायद से कोडी रोड्स रेसलिंग को क्विट कर देंगे, कमेंट्री वगैरह सारा चीज वो करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग समझ रहे हो एक साइड भाई रोमन रेंज है जो कि अलग ही बोल रहा है अगर मैं हार गया तो मैं रेसलिंग को ही छोड़ दूंगा, दूसरी साइड भाई कोडी रोड्स भी मतलब सेम चीज को बोल रहे हैं। तो भाई मेरे ख्याल से इस बार इन दोनों के बीच में आर पार का पूरा मामला होने वाला है। इनमें से भाई जो भी रेसलर इस बार हारेगा भाई फिर से इनका रिमैच आपको देखने को नहीं कभी भी मिलने वाला रेसलमेनिया के अंदर। मतलब आप लोग
ऐसा समझो कि भाई ये जो भी हो रहा है मतलब भाई बिल्कुल ये लास्ट टाइम ही हो रहा है। वैसे भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई आज के दिन ही भाई रेसलमेनिया 32 है था, जिसके अंदर भाई WWE हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ऑडियंस आया। भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई रेसलमेनिया 32 को रेसलिंग हिस्ट्री का भाई सबसे मतलब बकवास रेसलमेनिया बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर Triple H और रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट के अंदर, इसलिए भाई रेसलमेनिया 32 को भाई बहुत सारे लोग हेट करते थे क्योंकि भाई उनको एक्चुअली रोमन रेंस और Triple H का मैच देखना ही नहीं। इसलिए पिछले 40 साल का सबसे बकवास रेसलमेनिया के लिस्ट में भाई सबसे टॉप पर 32 का नाम आता है। बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में, तो भाई अंडरटेकर से जब इस सवाल को पूछा गया कि उनका रेसलमेनिया का सबसे बेस्ट मैच कौन सा था, तो उन्होंने शॉन माइकल का नाम लिया। मेरे ख्याल से भाई सारे लोगों को ये बात पता ही होगा, 2010 के अंदर हमें शॉन माइकल और अंडरटेकर का मैच देखने को मिला। वैसे भाई शॉन माइकल और अंडरटेकर ऑलरेडी 2009 के अंदर भी फाइट कर चुके थे, वो भी रेसलमेनिया के अंदर। इनफैक्ट भाई आप लोग यहां पर देख सकते हैं ऐसा WWE हिस्ट्री के अंदर भाई 4 बार हुआ है जब मतलब लगातार 2 रेसलमेनिया के अंदर एक ही अपोनेंट को रेसलर फेस किया है। जैसे रोमन रेंज और कोडी रोड्स करेंट टाइम में लगातार 2 रेसलमेनिया के अंदर एक ही अपोनेंट को करेंट टाइम में मतलब वो फेस कर रहे हैं। बात करते हैं ब्रे वाइट के भाई बो डैलस के बारे में, तो भाई बो डैलस हमें कैसे देखने को मिलेंगे इसके बारे में भाई अब काफी सारे रूमर आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भाई अंकल हॉडी का कैरेक्टर भाई करेंट टाइम मतलब भाई बो डैलस ही एक्चुअली निभाने वाले हैं। आपको अभी फिलहाल पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला फिर से, पर मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा बहुत सारे रूमर आ रहे हैं कि अलेक्सा ब्लेस के साथ आ सकते हैं, लिव मॉर्गन के साथ आ सकते हैं, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि इनके भाई है मतलब उनके साथ भी मतलब अपना डेब्यू कर सकते हैं फिर से। ऐसा मतलब भाई करेंट टाइम बहुत सारे ऐसा रूमर आ रहे हैं कि मतलब इस तरीके से आपको बो डैलस फिर से देखने को मिल सकते हैं अंकल हॉडी वाले कैरेक्टर के अंदर। वैसे अगर हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में बात करें तो भाई इनका कोई अता पता नहीं, एक फोटो जरूर से मुझे मिला जो कि मतलब किसी गेम का, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई करेंट टाइम मतलब भाई पूरा वर्ल्ड ही टूर कर रहे हैं, पता नहीं भाई इनका इंजरी कब से हो, कब हमें WWE कंपनी के अंदर ये फिर से देखने को मिले। हाँ भाई अंकल हॉडी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, इस बात को लेकर मैं 2-3 दिन से मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूं। बात करते हैं सोलो सिकोवा के बारे में, तो भाई अब रिपोर्ट क्या आना शुरू हो चुका कि भाई सोलो सिकोवा रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं। भाई सिर्फ सोलो सिकोवा नहीं, भाई ब्लड लाइन के जितने भी मेंबर हैं भाई बताया ये जा रहा है कि सारे मेंबर मिलकर ही रोमन रेंस को मतलब एक साथ ही धोखा दे देंगे। भाई मैंने जो आपको ये फोटो दिखाया था भाई लिटरली अभी फोटो शायद से सही होने वाला है, मतलब भाई पॉल हेमन, रॉक, जिमी उसो, सोलो सिकोवा मतलब सारे लोग भाई रोमन रेंस के अगेंस्ट हो जाने वाले हैं। सारे लोग मिलकर मतलब भाई लिटरली कोडी रोड्स के हाथ में ट्रॉफी देने वाले, कोडी रोड्स के हाथ में चैंपियंस बेल्ट को देने वाले। अभी करेंट टाइम भाई मतलब जो रूमर आ रहा है भाई वो सच में बहुत ज्यादा डरावना है, बहुत ज्यादा खतरनाक। पिछले मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई जब रोमन रेंस और रॉक मिलकर जब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को तोड़े थे तो मेरा आधा कमेंट सेक्शन में इसी बात को लिखा गया था कि भाई मुझे सुकून मिला फाइनली, मेरे सब्सक्राइबर कुछ ज्यादा ही हैप्पी थे, मतलब रोमन रेंस और रॉक जिस तरीके से मारे थे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, भाई अब तैयार हो जाओ भाई यही सारे लोग मिलकर भाई अब रोमन रेंस को धोखा देने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। ये कोई भी चीज भाई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल में स्पॉट किया का मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं। भैया रोमन रेंस का भाई ये हफ्ता सबसे खतरनाक वाला हफ्ता होने वाला है। ऐसे ही भाई बार बार सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टर निकल कर सामने आ रहा है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको रॉक और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से भाई इस बात को आप लोग 90% अभी से ही कंफर्म मान सकते हो, क्योंकि भाई रॉक का WWE कंपनी के अंदर भाई आने का सिर्फ एक एम था, उनको रोमन रेंस के साथ एक मैच लास्ट टाइम रेसल करना था। बात करते हैं रिकोसे के बारे में, तो भाई रिसेंट टाइम में कोडी रोड्स ने भाई रिकोसे को भी मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने रिकोसे के बारे में बोला कि करेंट टाइम में रिकोसे के वर्क को काफी ज्यादा मतलब वो पसंद कर रहे हैं। ऐसे अगर आपको नहीं पता तो भाई आज के करीब 3-4 साल पहले भाई रिकोसे भाई एक्चुअली ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट चले गए थे, इनका मैच भी हुआ था ब्रॉक लेसनर के साथ। एक्चुअली मुझे उस टाइम वाले भाई रिकोसे पसंद थे, अब करेंट टाइम भाई इनका डब्ल्यू वाले ने पूरा कचरा कर दिया। वैसे भाई आज के एग्जैक्टली 1 साल पहले भाई रेसलमेनिया का जस्ट बाद वाला मंडे नाइट रॉ हुआ था, उसके अंदर भाई क्या हुआ था मेरे ख्याल से सबको पता होगा। रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर विन कर जाते हैं, उनके सामने कोडी रोड्स आते हैं, फिर से उनको मैच के लिए चैलेंज करते हैं। इस बार कोडी रोड्स कहते हैं मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ एक और बंदा है जो कि है ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस का भाई देखते के साथ इसका फट जाता है। फिर ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को F5 लगा देते हैं, भाई रोमन रेंस देखकर इसको भाग जाते हैं रिंग छोड़। भाई ये चीज एग्जैक्टली भाई आज के 1 साल पहले हुआ था, भाई वो जो मंडे नाइट रॉ था भाई पर्सनली मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट मंडे नाइट रॉ। वैसे भाई इस बार रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई 9 से ज्यादा ऐसे रेसलर जिनका डेब्यू मैच रेसलमेनिया के अंदर होने वाला है। लोग सारे लोग भाई यहाँ पर नाम देख सकते हैं, मतलब भाई ये सारे रेसलर इससे पहले रेसलमेनिया के अंदर कभी मैच ही नहीं रेसल किए। तो बेसिकली भाई मैं आपको कई बार बता चुका भाई Triple H का यही फोकस रहता है कि न्यू टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा वो पुश करे। वैसे अगर आपको याद हो तो मैं आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि भाई रोमन रेंस और रॉक भाई अमेरिका के सबसे पॉपुलर शो के ऊपर जाने वाला दोनों एक साथ। आप लोग फोटो देख सकते हैं भाई शो के ऊपर भाई ये पहुंच चुके हैं, ऐसे जिमी फाल्कन शो का नाम है भाई मुझे याद नहीं, पर हाँ इसके अंदर भाई आपको बहुत सारे बात इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिलेगा। बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, तो भाई लोगन पॉल रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई एक स्पेशल अपना एंट्रेंस करने वाले हैं। देख सकते हैं भाई उनका प्राइम ड्रिंक का भाई जो कार है वो फिलाडेल्फिया के अंदर ही देखने को मिला है, जहां एक्चुअली रेसलमेनिया 40 होने वाला है। मेरे ख्याल से भाई इस बार मतलब लोगन पॉल भाई कार से एंट्रेंस करने वाले रेसलमेनिया 40 के। वैसे भाई रेसलमेनिया 40 जहां पर होने वाला है उसका अंदर का आप लोग ये व्यू देख सकते हैं भाई कितने सारे चैंपियंस बेल्ट WWE कंपनी का एक साथ यहां पर रखा हुआ है। भाई आप लोग सारे लोग भाई ये चैंपियंस बेल्ट को जाकर परचेज भी कर सकते हैं, पर भाई आप लोग इंडिया के अंदर है करेंट टाइम। बात करते हैं भाई रोंडा रॉजी के बारे में, तो भाई रोंडा रॉजी को लेकर भाई करेंट टाइम बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुका है। रोंडा रॉजी भाई रिसेंट टाइम ड्रू गुलाक के बारे में इस बात को बोले कि ड्रू गुलाक भाई मतलब उनका पैंट वगैरह कुछ छू दिए थे मतलब जबरदस्ती, उसको लेकर भाई मतलब रोंडा रॉजी भाई इतने दिनों बाद आज के टाइम पर मतलब एक खुलासा। भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ड्रू गुलाक ने भाई इसके ऊपर एक्चुअली अपना कमेंट किया। ड्रू गुलाक की तरफ से भाई ये स्टेटमेंट निकल कर सामने है कि वो जो भी
लीकेज हुआ था, बस एक एक्सीडेंटली हुआ था, आप लोग इस बात को मतलब ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई, शायद ड्रू गुलक ने भाई ऐसा किया भी होगा, क्योंकि भाई एक्चुअली ये सारे रेसलर भाई मतलब हरकत डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अंडरटेकर के जमाने में तो भाई मतलब ये चीज एक्सट्रीम लेवल का हुआ करता था, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया जाता था छोटे रेसलर को, साथ ही साथ भाई फीमेल रेसलर। ऐसे ही भाई जब इनका बॉस ही एक नंबर का जब ठरकी था, तो मतलब भाई रेसलर करे तो मतलब क्या गलती है। वैसे भाई आज का वीडियो भाई इतना ही, तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।